बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पांव बेड के इस तरफ एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गले में गला दबाकर मारा गया। The horrific Kolkata rape and murder of a junior doctor was found dead inside a government-run medical college and hospital's seminar hall in Kolkata. इंडिया के कोलकाता शहर में 9 अगस्त 2024 की सुबह एक ऐसी खबर सामने आती है जो पूरे देश को हिलाकर रख देती है। ये खबर थी एक 31 साल की महिला डॉक्टर की जो कोलकाता के आर जेकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। हॉस्पिटल जैसे सुरक्षित माने जाने वाले जगह पर इस महिला डॉक्टर का मर्डर एंड रेप होना काफ़ी चौंकाने वाला था। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब डॉक्टर के डेथ बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। इस रिपोर्ट ने लोगों की रूह तक को हिला दिया क्योंकि यह मामला सिर्फ एक मर्डर का नहीं था बल्कि कि इससे कहीं ज़्यादा खौफनाक केस था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उस डॉक्टर की हत्या गला घोंट कर की गई थी, इतनी ताकत से कि उनका थायराइड कार्टिलेज तक टूट गया था। इस हत्या के पहले डॉक्टर ने अपनी जान बचाने के लिए कोशिश किया था। इसका सबूत उनके शरीर पर मिले कई निशानों से मिला। सबसे डरावना सच तब सामने आया जब डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर घावों के निशान पाए गए। इससे साफ हुआ कि यह सिर्फ मर्डर का मामला नहीं था बल्कि यह रेप के बाद किया गया एक खौफनाक हत्याकांड था। हॉस्पिटल के परिसर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। क्या उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानकर आप गुस्से से बौखला जाओगे? क्या वहाँ कोई और था जिसने इस क्रूर घटना को अंजाम दिया? और अगर था तो आखिर कौन था? इन्हीं सवालों के जवाब खोजते हुए हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था उस रात इस मेडिकल कॉलेज के शांत माने जाने वाले परिसर में। जब आपको सच का सामना होगा तो यकीन मानिए आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर उन फीमेल डॉक्टर को श्रुति नाम से रेफर करने वाला हूँ एंड ये उनका रियल नेम नहीं है, सो कन्फ्यूज़ मत होना। श्रुति एक जूनियर डॉक्टर है जो कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से अपनी डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रही थी 8 अगस्त 2024 को, और दिन की तरह श्रुति अपनी नाइट शिफ्ट पर होती है और वह अपनी जॉब कर रही होती है। तभी रात के 11 बजे उन्हें अपनी मदर का फ़ोन आता है, जैसे कि हर दिन आता था क्योंकि पेरेंट्स को तो अपने बच्चों की चिंता हमेशा होती। श्रुति की मदर उनसे पूछती है कि क्या तुमने खाना खा लिया और तबीयत वगैरह तो ठीक है तुम्हारी, जिसके रिप्लाई में श्रुति बोलती है कि उनकी तबीयत एकदम ठीक है और वह बस अभी कुछ पेशेंट्स को देखने जा रही है, जिसके बाद वह अपने क्लीग्स के साथ बैठकर खाना खाएंगे। अपनी मदर से बात करने के बाद श्रुति पेशेंट्स को देखने राउंड पर निकल जाती है। सारे पेशेंट्स को देखने में और अपना काम खत्म करने में श्रुति को रात के 2 बज जाते हैं, जिसके बाद वह अपने कलीग्स के साथ जाकर हॉस्पिटल कैंटीन में ही बैठ जाती है, जहां मिलकर यह लोग अपना खाना भी खाते हैं और साथ साथ थोड़ी बातें भी करते हैं। खाना खाते खाते और बात करते हुए रात के 3 बज जाते हैं और इस वक्त श्रुति थोड़ी थकान सी फील कर रही होती है, तो वह अपनी थकान दूर करने के लिए इस हॉस्पिटल के 4th फ्लोर में बने सेमिनार हॉल में जाकर रेस्ट करती है। श्रुति के रेस्ट करते करते सुबह के 7:30 बज जाते हैं, पर वह तब भी इस सेमिनार हॉल से बाहर नहीं आती, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल था क्योंकि श्रुति कभी भी आधे घंटे से ज़्यादा का ब्रेक नहीं लेती थी। हॉस्पिटल का एक वर्कर जो कि सुबह की शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले हॉस्पिटल के सारे रूम्स को चेक कर रहा होता है, और वह ऐसे ही सारे रूम्स को चेक करते हुए इस सेमिनार हॉल की तरफ आता है। जैसे ही वह सेमिनार हॉल के बाहर आकर उसका गेट खोलता है, उसकी आंखों के सामने होता है एक भयानक नज़ारा, जिसे देखकर वह बहुत ज़ोर से चीख पड़ता है। इस वर्कर की चीख सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा होने लगते हैं और देखते हैं कि सेमिनार हॉल के अंदर श्रुति की बॉडी बिना कपड़ों के पड़ी हुई है और उसके बॉडी पर कुछ ब्लड के निशान भी हैं। यहाँ खड़े सब लोगों के लिए ये एक ड्रामा से कम नहीं था, स्पेशली दूसरी फीमेल डॉक्टर्स एंड वर्कर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने ऐसा पहली बार देखा था
वह भी हॉस्पिटल प्रेमिसेस के अंदर। श्रुति की बॉडी को देखकर आसपास खड़े सारे लोग उसे एक स्ट्रेचर पर लेटाते हैं और इमरजेंसी रूम में लेकर जाते हैं ताकि डॉक्टर्स उसकी कुछ हेल्प कर सके। काफ़ी देर तक डॉक्टर्स के स्ट्रगल करने के बाद भी एड दैन श्रुति कुछ घंटों के बाद अपना दम तोड़ देती है। हॉस्पिटल में कुछ लोग थे जो कि इस मर्डर एंड रेप केस को एक नॉर्मल केस जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जस्ट बिकॉज कि वो इस हॉस्पिटल का नाम बचा सके। बट जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आती हैं तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इन रिपोर्ट से साफ साफ पता चल जाता है श्रुति के साथ किसी ने ज़बरदस्ती गलत हरकत करने की कोशिश करी, और जब वह इस इंसान से अपने आप को बचाने लगी तो उसने उसका गला घूंट दिया। इवन उसे बहुत बुरी तरीके से मारा भी और फिर उसका रेप भी किया। ये सारे प्रूफ मिलने के बाद ये केस पुलिस को हैंड ओवर कर दिया जाता है एंड पुलिस वाले इस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए लग जाते हैं। सबसे पहले पुलिस उस क्राइम सीन पर ही छानबीन करती है जहां यह सब हुआ था। किस्मत से पुलिस वालों को वहां पर श्रुति के कुछ नेल्स एंड ब्लड सैंपल्स मिलते हैं और साथ ही एक ब्लूटूथ नेक बैंड। ये केस शायद और भी जल्दी सॉल्व हो जाता अगर उस फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरा होते तो। बट बदकिस्मती से इस सेमिनार रूम के अंदर या इसके आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं थे, लेकिन जिस रास्ते से इस फ्लोर पर एंटर करा जाता था वहाँ पर कुछ सीसीटीवी कैमरा थे पुलिस वाले। इन सीसीटीवी कैमरा में सुबह के 3 बजे से 8 बजे के बीच की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं कि इतने टाइम के बीच कितने लोग इस फ्लोर पर आए और गए थे। इन सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करने के बाद ये पता चलता है कि टोटल 6 लोग इस फ्लोर पर आए और गए थे। ये पता लगने के बाद पुलिस वाले एक एक करके इन 6 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाते हैं कि वो लोग वहाँ पर उस टाइम क्या कर रहे थे और इन लोगों को इस बीच यहाँ कुछ भी अजीब दिखा कि नहीं। इन लोगों से पूछताछ के दौरान पुलिस वाले उनके फ़ोन का ब्लूटूथ भी ऑन चेक करते हैं कि जो ब्लूटूथ हेडसेट उन्हें मिला था वो इनमें से किसका था, क्योंकि आपको पता होगा ही कि एक बार अगर आप किसी ब्लूटूथ डिवाइस से अपना फ़ोन पेयर करते हो तो अगली बार वह उससे ईजिली कनेक्ट हो जाता है। और फाइनली पुलिस वालों की यह ट्रिक काम भी आती है क्योंकि यह ब्लूटूथ नेक बैंड इन 6 लोगों में से एक आदमी के फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है जिसका नाम था संजय रॉय, जो कि एक सिविल वॉलंटरी के अंडर काम करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं छोटे मोटे कामों को मैनेज करने में। लाइक आपने बहुत सारे फेस्टिवल्स अनऑथराइज्ड पार्किंग या भीड़भाड़ वाले एरिया में देखा होगा कि कुछ ही ब्लू कलर की यूनिफॉर्म्स पहनकर ऑफिसर्स खड़े रहते हैं जिनका काम होता है कि विदाउट एनी रीज़न कहीं पर भी ज़्यादा क्राउड इकट्ठा ना हो। तो अब पुलिस वालों को अपना पहला कातिल मिल चुका था जिसके बाद वह संजय रॉय से और गुस्से से पेश आने लगते हैं। बट संजय पुलिस वालों की किसी बात का भी जवाब नहीं दे रहा होता क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था। इस बीच पुलिस वाले संजय का फ़ोन भी चेक करते हैं जिसमें उन्हें भर भर के पॉर्नोग्राफिक कंटेंट मिलता है, जिससे उनका शक यकीन में बदल चुका था कि संजय ही श्रुति के मर्डर का मैन कंपीट है। इसके बाद पुलिस वाले संजय रॉय को और ज़्यादा डराते हैं एंड फाइनली वह अपना गुनाह कबूल भी कर लेता है कि उसने ही श्रुति को मारा है और उसका रेप किया है। ये पता लगते ही कुछ पुलिस वाले और प्रूफ कलेक्ट करने संजय रॉय के घर जाते हैं जहां पर उन्हें एक शू मिलता है जिसके ऊपर कुछ खून जैसे ही धब्बे थे, तो पुलिस वाले उसका सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ी और तलाशी लेने पर पुलिस वालों को संजय के घर के बाहर कुछ कपड़े सूखते हुए दिखते हैं और ये वही कपड़े थे जो कि उस दिन संजय ने पहने थे, क्योंकि ये सब सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो गया था, जिससे जाहिर था कि संजय ये प्रूफ मिटाने की भी कोशिश कर रहा था। बट जब संजय को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में लाया गया था उस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा नशे में था, तो क्या वह ये सब बस इसलिए कर रहा था ताकि उसे कम सज़ा मिले जस्ट बिकॉज वह उस वक्त नशे में था। बाद में जब पुलिस वाले उस शू पर लगे ब्लड सैंपल्स को चेक करवाते तो ओव भी श्रुति के ब्लड से मैच हो जाता है, विच वॉज ए सॉलिड प्रूफ अगेंस्ट हिम। इन सारी रिपोर्ट्स एंड डिटेल्स को एक साथ कंबाइन करके पुलिस वालों को पता चलता है कि उस रात संजय रॉय काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था और वह रात के 11 बजे हॉस्पिटल में एंटर करता है। संजय अक्सर उसमें नाइट शिफ्ट किया करता था तो उसे यहाँ की काफ़ी अच्छी नॉलेज भी थी कि कहाँ पर कैमरा है और कहाँ पर नहीं, तो वह आराम से इस हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर जाकर बैठता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उसे ज़्यादा नशे की हालत में देखे, वरना वह अपनी जॉब से हाथ धो सकता था। 4th फ्लोर पर आते ही वह अपना आराम से सो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तब तक सुबह के 3 बज चुके थे। तभी संजय की नज़र श्रुति पर पड़ती है
जो कि रेस्ट करने सेमिनार हॉल में जा रही थी, श्रुति को अकेला देखकर संजय के इरादे बिगड़ने लगते। वह पहले काफ़ी देर तक इस फ्लोर के चक्कर लगाने लगता है, ये कन्फर्म करने के लिए कि कोई यहाँ पर ज़्यादा आ तो नहीं रहा। जब उसे लगता है कि हाँ उसका रास्ता साफ है, तो वह 4 बजे सेमिनार हॉल के अंदर एंटर करता है और फिर वहाँ से 4:45 पर बाहर आता है। इन 45 मिनट्स तक श्रुति के साथ इस आदमी ने क्या क्या किया होगा और वह कितने पैन से गुजरी होगी, यह सोचकर ही किसी का भी दिल सहम जाएगा। स्पेशली श्रुति के पेरेंट्स, जिन्होंने इतनी उम्मीद से और सेक्रीफाइस करके अपनी बच्ची को डॉक्टर बनने भेजा था, एंड श्रुति अपने पेरेंट्स की अकेली बेटी थी, तो उनके लिए तो ये किसी सदमे से कम नहीं होगा। एंड गाइस, ये केस अभी भी क्लोज नहीं हुआ है और 23 अगस्त तक संजय राय को कस्टडी में रखा जाएगा। इस कातिल इंसान के साथ क्या होना चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही जानकारी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।